अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अजरांदी किचन। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे तोतिया रैप्स, जिसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है, इसे छान लिया है हमने। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, लुकवार्म ये वाटर है, पानी नीम गर्म पानी है, 4 टेबल स्पून घी लिया है। चलें बनाना। मैदा शामिल करेंगे, एक बॉल ले लिया हमने, इसमें ले लीजिए हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें पानी है, अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि हर तरफ मिल जाए सोडा। और अब ये हम अपना घी ऐड कर देंगे, इसमें पानी है, चलिए घी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, भून लेंगे इसे बहुत अच्छे से सॉफ्ट। इसकी डो हमें बहुत सॉफ्ट बनानी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनानी है। बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गई है, बस हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। हल्का सा हाथ भी लग के हमने इसको भूना है, ये देखें हल्का सा पानी लगाया है, और इसे थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से। बस ये रेडी है, हम इसका बड़ा सा बॉल बनाएंगे, हल्का सा ऑयल से ग्रीस करके और कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये घी है वही बचा हुआ हमारा, और हम इसे 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 15 मिनट बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये हमारी डो को रखे हुए 15 मिनट हो गए, हम इसे चेक कर लेते हैं। इसलिए देखें बहुत अच्छे से हो गई है, एक बार हम इसे इस तरह से मसल लेंगे। बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट जैसे हमें चाहिए थी उसी तरह से है। देखें कितनी सॉफ्ट, देख सकते हैं। बस अब हम इसे निकाल लेंगे और इसको रोल आउट कर लेते हैं। इसके हम पेड़े बना लेंगे, आपको जो साइज़ बनाना हो आप उस साइज़ की कट कर सकते हैं इसको। ये देखें मैं सारे बना के आपको दिखाती हूँ। हम इन्हें 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, 10 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। चलिए जी, इन्हें रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, एक ही करके हम देखते हैं उसमें रख दिए हुए हैं, और इन्हें वापस कवर कर देंगे। ये हो गई, हम पैन गरम कर लेंगे अपना। जब तक पैन गरम हो रहा है हम इसे भी साइड पे करके एक और बैन लेते हैं। इसमें रखानी रही, हमारी आँच बहुत लो है, ये देखें इस तरह से। हमने इसे स्लो आँच पे ही बनाना है, थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखें हल्के हल्के से बबल्स आने लगे हैं और कलर भी चेंज हो गया है। बिस्मिल्लाह रहमानी है, और मैं इसे टर्न करती हूं।
हमने इसी तरह हल्का हल्का सा प्रेस करके कलर आने तक सेकना है इसको। चलिए जी, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया माशाल्लाह, हमें ऐसा ही कलर चाहिए था। ये देखिए दोनों साइड से हो गई है, ये देखें। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, ये रेडी है, दूसरी डाल लेंगे। ये देखें इस साइड से हो गई है, हम इसे टर्न कर देंगे। ये देखें ये भी दोनों साइड से अच्छे से हो गई है, ये देखें। बस इसे भी हम निकाल लेंगे, बाकी भी हम इसी तरह करके आपको दिखाते हैं। चलिए जी, हम अपने ये तीसरी है हमारी, इसे भी सेक लेते हैं। ये हो गई, इसे टर्न कर लेंगे। चलिए अब इसे भी हम टर्न कर लेंगे। ये देखें कितनी प्यारी सी बनी है ये। चलिए हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं, सेक लेते हैं। देखें कितने अच्छे से सीख रही है, टर्न कर लेंगे हम इसे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। चलें ये भी हो गई है दोनों साइड से, इसे भी हम निकाल लेंगे। ये देखें, चलें जी एक और है हमारी, इसे भी हम ऐड कर देते हैं। चलें जी हो गई, इसकी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखें, चलें जी ये भी हो गई है, इसे हम उतार लेंगे। ये देखें दोनों साइड से हो गई है ये। ये देखें एक साइड से हो गई है, हम इसे टर्न कर देंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त सी सिक रही है ये। चलिए जी हो गई, हम इसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए जी हमारी लास्ट है, ये भी कंप्लीट हो गई है। बस हम आपको आगे दिखाते हैं। ये लीजिए हमारी आज की ज़बरदस्ती तोड़तिया ब्रेड जो है रेडी हो गई है। ये देखें, मैं दिखाती हूँ आपको कितनी सॉफ्ट बनी है ये। ये ठंडी हो जाएंगी तो जिप लॉक बैग में डाल के मैंने फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दूँगी 15 दिन के लिए, एक महीने के लिए, जब आप चाहें तो। और इससे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के हम सैंडविचेस स्नैक्स बनाते हैं तो बच्चों बड़ों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह, तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, ये मैंने 2 कप मैदे में 8 बनाई है। तो अल्लाह हाफिज़।